समझ में नहीं आता कि केआर के चाहते क्या हैं। अब दोस्तों फिर से उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक ऐसा ट्वीट जिसमें कि वो अब ये सुअर किसे बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आइए आपको पूरा मुद्दा समझाता हूं। स्वागत है आपका वीवा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कमाल आर खान के बारे में, जो कि आजकल सचमुच में कमाल ही कमाल कर रहे हैं। मतलब कि सोशल मीडिया पे उन्हीं के चर्चे हैं, ट्विटर पे उन्हीं के चर्चे हैं, हर जगह पे उन्हीं के रिव्यूज की बात हो रही है, इंटरव्यूज में उन्हीं की बातें हो रही हैं। सो ये यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं हर भौंकने वाले कुत्ते को रिप्लाई करूंगा फिर तो बस सिर्फ यही करता रहूंगा, बिकॉज एवरी नल्ला नीड्स पब्लिसिटी। सम मीडिया पीपल आर सो डेस्परेट दैट दे वॉन्ट टू टेक इंटरव्यू ऑफ एवरी सुअर हु वॉन्ट्स टू से समथिंग अगेंस्ट द ब्रांड के आर के। अब देखिए बहुत गिने चुने लोगों ने बोला है, अगर आपको याद होगा तो एक तो अली गोनी ने कल बोला था, उसके लिए उन्होंने बोला था कि ये तो छिचुंदर है, चिरकुट बोला था। मीका बाजी ने बोला था, उसके उनके लिए भी कुछ बोला था के आर के ने। और आकांक्षा पुरी ने भी बोला था, उसके उनके लिए स्ट्रगलिंग मॉडल बोल दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों के आर के कहते हैं कि मैं हर किसी के लिए बोलता रहूँगा तो क्यों मैं खाली मीडिया अटेंशन दूँ, और मीडिया वाले इतने डेस्परेट हैं कि वो उनका भी इंटरव्यू ले लेंगे। ओ गॉड। सो दोस्तों आपको क्या लगता है इस ब्रांड के आर के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुअर किसको बोला इन्होंने, जरूर बताएं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।